इस वाले एरिया में भाई ठंड ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे धूप ही नहीं लगती है। जब धूप लगती है तो एरिया बिल्कुल ठंडा सा रहता है, और फिर यहाँ पे ना मतलब ऐसे आग सेक सेक के आपको गुजारा करना पड़ता है। हल्की हल्की आग जला के रखी हुई है हमने, और अपने छोटू भाई लगे हुए रात के खाने का इंतजाम करना है। गोरी खोलनी थी नहीं कुछ नहीं है, माल करती आप 30 रुपये 1.5 किलो लाने से ऊपर दे प्याज चुपका के दे दे। बोले भाई 30 रुपये दे देना तू जो 1.5 किलो मतलब पास है मेरा भाई। लकड़ी वाले लगी है पार
तोरू क्या चीज़ है छोटू भाई इसमें? ये हल्दी भाई, हल्दी देख लिया अपनी थी अच्छा इसमें। छोटू भाई गई भैंस पानी में, अभी गई भैंस पानी में। तो लेकर उड़ता कर दूंगा। तो भाई मैं अभी ना भेड़ बालकों के डेरे में हूँ, मेरे साथ हैं ये छोटू भाई हैं, और छोटू भाई लगे हैं भाई रात के खाने का इंतजाम करने। इनकी ना एक बकरी मर गई थी तो उसका थोड़ा सा मटन रखा हुआ वो बना रहे हैं छोटू भाई यहाँ पे। और अभी ना 3 बज रहे हैं शाम का टाइम है, और बाकी के लोग भी अभी आते ही होंगे, 1 घंटे की गेम है सारी, 1 घंटे के अंदर वो आ जाएंगे, फिर रात हो जाएगी क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हो गए ना, 5 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो ही जाता है। 4 बज गए अभी, और 5 बजे वो सारा मतलब अपना काम धाम करके आ जाएंगे यहाँ पे। बाकी फिर ये बकरियों का दूध वगैरह निकालते हैं, वो निकालेंगे और फिर चाय वगैरह पियेंगे हम, और फिर मटन तो बना दिया छोटू भाई ने, बाकी चपातियाँ वगैरह बनाएंगे। बाकी पानी लेने के लिए भाई बहुत दूर जाना पड़ता है, ये सबसे टफ काम है इनकी ज़िंदगी का यहाँ पे। बाकी तो चल मतलब जो काम है वो नॉर्मल है, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई फुल ऑन कैंपिंग करेंगे हम इनके साथ यहाँ पे, आज आज की रात यहाँ पे रुकूंगा मैं। बस तो मैंने सोचा कि कल की रात भी यहीं पे रुकूंगा, बट देखते हैं कि टाइम का क्या होता है, टाइम अगर होता है तो रुकेंगे, अगर नहीं होता तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। वैसे 2 दिन का तो सोचा ही है कि यहाँ रुकेंगे। ये हमारे छोटू भाई यहाँ पे तड़का बनाते हुए, हमारे छोटू भाई मास्टर शेफ हैं, बहुत तगड़े हमारे छोटू भाई। और भाई पूरा जंगल है, और भाई पूरा जंगल है यहाँ पे, जंगल के बीचों बीच हैं ये लोग यहाँ पे। अभी रात को देखेंगे हम यहाँ पे कि तेंदुआ तांदुआ आएगा कि नहीं आएगा, देखेंगे तो क्या ही पता लगेगा, पर इनको पता लगता है, मुझे तो क्या पता लगेगा कि तेंदुआ आया कि नहीं, जब इनके कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं और वो इधर उधर नाचते हैं दौड़ते हैं, और एक गद्दी लोग सारे जाते हैं तो अपने अपने टॉर्चें लेके उस तरफ, तो इसे देख लेते हैं कि तेंदुआ है, बट हम नहीं देख पाते ना। छोटू भाई कितनी बार देखा तेंदुआ आपने ज़िंदगी में? मैं तो 2-3 बार देखा। 2-3 बार देख लिया, पिछले साल इधर देखा मैंने। हाँ पिछले साल इधर पाली साइड। हाँ पिछले साल से पिछले साल इधर ऊपर। हाँ वो जो बकरी उठा ली, छोटा बच्चा उठाया था। हाँ वो पिछले बार इधर
कुत्तों ने तो पेड़ों में चढ़ा उसको। हाँ हमने तो देखा, फिर उसको पत्थर की मारी हमने, फिर हाँ नीचे नीचे पत्थर की मारी हमने नीचे, उसने छलांग दी कुत्ते उसके घास चढ़ के उलते घुलते नीचे तक। नहीं यार आज वो छोटा, कितने बजे की बात है? रात की, रात की होगी 10-11 बजे की बात। अच्छा बारिश थी उस दिन? बारिश थी उस दिन। हाँ वो छोटा कुत्तों से वो पली साइड चला गया नाले, दूसरे नाले की तरफ कुत्तों को ले फिर वापस आप। हाँ जी ये दो कुत्ते थे ना? दो कुत्ते थे, कुत्ते भी पीछे से गए। हाँ अगले नाले तक गए हम, फिर लाए कुत्तों को। अच्छा यहाँ पे भाई मतलब ये इनका डेरा है ना, बर्तन है इनके और कपड़े हैं, जैसे ये भी कपड़े रखे उन्होंने पेड़ों पे रखे हुए हैं कपड़े इन्होंने, बाकी इनके बर्तन वगैरह सामान वगैरह। तो यहाँ पे ये जो एक तो यहाँ पे ना छोटू भाई लगे हैं खाना बनाने, उनके जो दो साथी हैं मेरे मामा जी और दशरथ मां जी, वो गए हुए हैं जंगल में बकरियों के पास, बकरियों के साथ अभी आते होंगे थोड़ी देर में।